पानी भी लग रहा है ना कि अच्छे नहीं होंगे ये, बहुत टेस्टी होंगे। देखो क्या बनाया, देखो 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 Hey guys, welcome to our channel Dhondial Sisters. हे गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ढोंडियाल सिस्टर्स में। आज है मेरी छुट्टी और फिर मेरे को सूझी एक नई खुरापात। आज मैंने कुछ हेल्दी फूड बनाने की कोशिश करी और फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, तो चलो देखते हैं क्या बनता है। बनाना तो मैं चाहती हूँ आटा बिस्किट, और आटा बिस्किट के लिए हमने क्या क्या इन्ग्रीडियंट लिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्किट बनाने के लिए मैंने लिया घी जो घर का बना हुआ था, मिल्क, और मेरे पास गुड़ का बूरा नहीं था तो मैंने उसको नाइफ से कट कर लिया छोटा छोटा, और मैंने लिया आटा। बस ये चार चीज़ें मैंने ली, और हाँ एक चीज़ मैं भूल गई, इलायची। इलायची भी मैंने ली, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ठीक है। इलायची का पाउडर हम यूज़ करेंगे इसमें। ये रेसिपी मैंने कहाँ से देखी मुझे खुद भी याद नहीं है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया 2-3 टेबल स्पून घी, और उसमें मैंने जो गुड़ चॉप किया हुआ था वो इसमें ऐड करूँगी, और उसके बाद इसको मैं बहुत अच्छे से विस्क करूंगी। विस्क 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 करते हुए थक गई हूँ मैं इसको, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो लगता है मुझे माइक्रोवेव करना पड़ेगा। मैंने किया 10 सेकंड का माइक्रोवेव, और ये सिर्फ इतना सा ही मेल्ट हुआ है, लगता है थोड़ा और करना पड़ेगा। नाउ ये हमारा प्रॉपर मेल्ट हो चुका है, हमने इसको किया 30 सेकंड्स का माइक्रोवेव, और अब हम इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे अपना आटा। फॉक से ये अच्छे से मिक्स हो नहीं रहा है, तो मैं अब हाथ यूज करूंगी। हाथों से इसको अच्छे से, जैसे आटा गूंजते हैं वो गूंजेंगे। थोड़ा आटे को हमने थोड़ा टाइट रखना है, तो इसलिए सबसे पहले तो मैं गुड़ को अच्छे से आटे में मिलने दूंगी, उसके बाद मैं हल्का हल्का दूध डाल के इसको गूंथूंगी। धीरे धीरे आटा मिलाने से इसमें मिक्स अच्छा आएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची का पाउडर, मोटा दरदरा कुटा हुआ, और दूध डाल के हमने इसको अच्छे से गूंथ लिया है। ये देखिए आपको क्रम्बल्स दिख रहे हैं, आपका आटा ऐसे गूंधा हुआ होना चाहिए। इसको अब हम हाफ करेंगे और अच्छे से हम इसको बेलेंगे। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है बटर पेपर का, ताकि ये कहीं भी स्टिक ना हो इधर उधर। कोई छोटी कटोरी या कुछ भी मोल्ड लेकर आप अपनी अकॉर्डिंग कोई भी शेप के इसमें कट्स ले सकते हैं। और अब हम इन्हें बेक करेंगे। A few moments later. It's very bad to fail. बिस्किट्स का हाल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। मेरे बिस्किट्स थोड़े से ज़्यादा ओवर कुक हो गए, या कह सकते हैं जल गए, थोड़े हार्ड हो गए। जिसके टीथ स्ट्रांग होंगे वही लोग खा पाएंगे। ये था मेरा फर्स्ट लॉट का रिज़ल्ट। सेकंड टाइम बेक करने के लिए मैंने टाइमिंग को थोड़ा सा कम कर दिया, और उसके बाद जो मेरे बिस्किट्स बने वो ऐसे थे, परफेक्ट शेप साइज एंड टेस्ट, लेकिन थोड़े से हो गए थे हार्ड। ये बिस्किट थोड़े से हार्ड ही होने थे, क्योंकि इसमें हमने प्लेन फ्लोर यानी कि मैदा का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, घी भी बहुत नाम मात्र का यूज़ किया है, और दूध से सिर्फ इसको बाइंड किया है। तो हमारे बिस्किट रेडी हैं, टेस्ट ऑसम है, थोड़े हार्ड हैं, पर जैसे हैं अच्छे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय।